मणिपुर फिर हिंसा और गोलीबारी से दहल गया है। पिछले साल भड़की हिंसा के बाद अभी भी तनाव बना हुआ है। इस बार कुकी उग्रवादियों ने गांव पर ड्रोन से बम बरसाए हैं। ताजा हिंसा में यह सबसे चौंकाने वाला ट्रेंड माना जा रहा है। उग्रवादियों ने पहाड़ी की चोटी से निचले इलाके कोत्रूक और कंडाग बांड घाटी को निशाना बनाया है और पहले अंधाधुंध गोलीबारी की, उसके बाद ड्रोन से जबरदस्त बम बरसाए। अचानक हुए हमले से गांव में दहशत फैल गई और लोग खुद की जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकाने तलाशते देखे गए। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 सुरक्षा कर्मियों समेत 9 अन्य लोग घायल हो गए हैं। यहां के इम्फाल पश्चिमी जिले के एक गांव में संदिग्ध उग्रवादियों ने कम से कम 5 खाली पड़े घरों को जला दिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उग्रवादियों ने रविवार दोपहर से पहाड़ी की चोटियों से लेकर कुतुक और पड़ोसी कदांग बंद के निचली घाटी इलाकों में अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी थी। बाद में वे कोतुक गांव के बाहरी इलाके में पहुंचने में कामयाब रहे। रविवार दोपहर करीब 2:30 बजे शुरू हुई गोलीबारी और बम हमले के बाद लोग अपने घरों से भाग गए थे। बदमाशों ने 5 खाली पड़े घरों को जला दिया। हालांकि रविवार रात सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों को खदेड़ दिया। उग्रवादियों की भारी गोलीबारी से कई घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जब गोलीबारी और बमबारी शुरू हुई तो ग्रामीण अपने घरों में थे। स्थानीय निवासी लिंशान गथम रोनी ने कहा, ये हमला गांव के वॉलेंटियर्स को इलाके से वापस बुलाए जाने के ठीक 10 दिन बाद हुआ। राज्य सुरक्षा बलों की सलाह के बाद हमने अपने गांव के वॉलेंटियर्स को हटा लिया था। हम लोगों में से एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसकी बेटी घायल हो गई। पुलिस ने बताया कि रविवार को संदिग्ध उग्रवादियों के हमले से निवासियों में दहशत फैल गई और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित इलाकों में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मणिपुर पुलिस ने यह भी दावा किया है कि हमले में रॉकेट चलित ग्रेनेड और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। कोत्रूक गांव के लोगों ने घटना को लेकर निराशा जाहिर की है। उनका कहना है कि राज्य सरकार की ओर से शांति बहाल करने को लेकर कई बार आश्वासन दिया गया, उसके बावजूद हम लोग सुरक्षित नहीं है। स्थानीय महिला निगरानी समूह की सदस्य ने कहा, राज्य सरकार बार बार दावा करती है कि शांति बहाल हो गई है, लेकिन हम अभी भी हमलों के डर में जी रहे हैं। हम वाकई कब सुरक्षित होंगे? इस मामले को मणिपुर सरकार ने भी संज्ञान में लिया है और कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। सरकार ने ही इस बात की जानकारी दी है कि हमले के दौरान अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। बड़ी बात यह है कि उग्रवादियों के पास रॉकेट, प्रोपेलेट ग्रेनेड तक मौजूद थे।